ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਇਆ ਫਰਮਾਦਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ फरमादिया मैं दामन पकड़ के पूछनी हूँ बाबा जी तुसी कौन हो फरमाया बेटी पहचाने नहीं ते बाबा नहीं पहचाने फरमाया बेटी लोकी मैनू आदम आख दे फरमादिया बाबा ते टुर गया मैं सवेरे उठनी हूँ जी बमंदर पे वेखनी हूँ फरमादिया मैं बेड़े च फिरनी हूँ जेड़ा पत्थर मेरे कदमों के थले आता है वो मैनू चुभदा ही नहीं कदम रखनी पत्थर पिघल के मोम बन जाता है फरमादिया खबरे आज पत्थरों नु की आ गया एक निका जा पत्थर बोल के कहने लगा अमीना हैरान ना हो अजे ते असी ते पिघलने मोहम्मद आलम दे पढ़िया पढ़िया पिघल जाना मेरा दिल करता तुसी सुभान अल्लाह जी इन्नी एक बारी बोल के जाओ कि पूरा साल फरिश्ते एक दूसरे नु छुक छुक के कहना आओ दे रहा है जिथे नबी दा मिलाद हुंदा सुनी सुभान अल्लाह कह के जा रहे सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया वन नज़िल मिन अल कुरान में मैं हूं शिफा और रहमतुल मोमिनीन फरमाया कुरान मोमिन वास्ते शिफा बन के आया नल रहमतुल मोमिनीन फरमाया रहमतुल मोमिनीन बन के आया जब यार की बारी आई फरमाया वा मैं रुसलना के इल्ला रहमतल लिल आलमीन अल्लाह ने यार रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा कुरान रहमतुल लिल मोमिनीन बना के भेजा जब कुरान के नाजल होने की रात की बारी आई फरमा इल्ला अंजलना फी लैलतिल कद्र जड़ी रात रहमतुल लिल मोमिनीन कुरान आया और रात हर साल मनाई जाती है उस रात जश्न मनाए जाते हैं नौजवान रसूल पर पड़ दे रहने वाले हो जब रहमतुल लिल आलमीन आवे के ओदो जश्न मनाया जा सकता है जब रहमतुल लिल आलमीन आवे ओदो ही जश्न मनाया अच्छा रहमतुल लिल मोमिनीन आवे जेड़ा सिर्फ मोमिन आली रहमत ओ कुरान है कुरान जेड़ी रात कुरान आवे और रात हर साल मनाई जांदी ते लोग जश्न नज़ूल कुरान मनांदे अपने वीते बेगाने वी ते जेड़ी रात रहमतुल लिल मोमिनीन आवे ओ रात नु जश्न मनाया जा सकदे ते जेड़ी रात रहमतुल लिल आलमीन आवे उस रात जश्न नहीं मनाया जा सकदा भाई जश्न नज़ूल कुरान दी वजह की है क्योंकि अल्लाह फरमांदा तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वर्रूह उस रात फरिश्ते नाजिल होंदे ने ते रूह यानी रूहुल अमीन यानी जिब्रील नाजिल होंदे ने ते जिब्रील कौन है अल्लामा यूसुफ नबहानी फरमांदे ने इन्नमा खुलिक लिखिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील नु रब ने पैदा ही मुहम्मद दी खिदमत लई कीता है ते जेड़ा मुहम्मद दी खिदमत लई पैदा होया जेड़ी रात ओ आवे उस रात जश्न मनाए जा सकदे ने ते जिस रात मखदूमे कायनात आवे उस रात जश्न नहीं मनाया जा सकता गिरामी कदर हजरात असी क्यों ना मिलाद मनाइए मैंने याद मैं एक जुमला बोल के गया सा मेरा दिल कर मैं आज फिर बोला ए बाजार च फ्रूट लेन जाइए कद देखा जे को गा के जदा भी आवे जेड़ा दुकानदार नु कहे के पैसे पूरे ले लो ते जेड़ा गलिया गलिया फ्रूट च सड़िया सड़िया फ्रूट ए मेनू दे दियो सानू ते 10 दर्जन केले च एक गलिया केला दुकानदार पा देवे ना ते असी ओ केला दुकानदार नु वापस करके कहने मैं पैसे पूरे दिते ने सौदा खरा लेना या तू ते मैं 10 दर्जन केलियां च एक गलिया केला कबूल ना करिए ते ओदा मिलाद मनावण नु तेरा जी नहीं करदा जिने तेरे मेरे वर्गे सारे गले सड़े चोली पा ले ਆਖੇ ਆ ਗੰਦੇ ਮੱਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਸੁੰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਥੋੜਾ ਲੰਗਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਜੋ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
जिदी मां ने दस के भेजा पुत्र मैं तेन पालिया मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोलियो सुभान अल्लाह जदों सुभान अल्लाह बोलो हाथ चुक के बोलियो अगर मैनूं पता लगे केड़ा केड़ा नबी पाक दा दीवाना पिया जा गया अरबाद सुल्तान ने फरमाया थे बिस्मिल्लाह जागदे हो ना बोलो सुभान अल्लाह नबी पाक दी अम्मी जान जो बचपन अरब दी बहुत बड़ी कहना बहुत बड़ी नजूमी औरत आलिमा फाजिला लोगों के हाथ दी लकीरा वेख के तकदीर दस इस औरत दे मुतल्लक किताबा च लिखा कि जदों पैदा हुई ते इहदे बाप ने इहनूं वेख्या भी देख्या अपने गुलाम नूं कहा कि इहनूं जिंदा ही दफन करके गुलाम जब जिंदा दफन करने वास्ते बच्ची नूं लैके गया ते कबर खोदी ना ते कहिंदा अचानक मैं कबर च रखण लगा ते हाथ फेर रबी तो आवाज आई ना मारी गुलाम कहंदा मैं दाएं बाएं देखा मैनूं कोई इंसान नजर ही ना आया अपना वहम समझ के दोबारा दफन करन लगा फिर आवाज आई ना मारी फिर देखा कोई नजर नहीं आया वहम समझ के तीसरी मरतबा दफन करने लगा तो आवाज आई ना मारी नहीं पाली जाती तो रख जा असीं पाल लवांगे गुलाम के अंदर ख्याल आया कि बच्ची को नसीबा वाली गुलाम इस बच्ची को घर ले गया नो पाल के जवान किया ये बच्ची जवान होके अरब की बहुत बड़ी आलिमा फाजिला काहिना नजूमी औरत बनी रूहानी ते नतीदा कुवता दी बड़ी बहुत लड़ ली सी हाथ दी लकीरा वेख के तकदीरां दस दी कदे कदे मदीना तैयब आंदी है ते लोग कितारा च बच्चे लैके खड़े हो जांदे ने ते लोगों के बच्चे दी हाथ दी लकीरा वेख के तकदीरां दस दी नौजवान एक दिन सैयदा आमिना अपनी सहेलियां दे नाल बचपन च खेल रही हूं अचानक आवाज आई सौदा बिनते जारा आई सारे लोग अपने बच्चों नूं कितारां च लैके खड़े हो गए सैयदा आमिना भी बच्चियां च खड़ियां हो गई जदों सैयदा आमिना दी वारी आई हाथ दी लकीरां वेख के कहन लगी लोगो ए बच्ची कौन है लोगा के वाह बिन अब दे मना उठ दी बेटी आने ना आए कह लगी आदि नदीरा और तुली दन नदीरा कह लगी मेरा इलम कहता है ए बच्ची आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां बने या आप नबी बनेगी या किसे नबी दी ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है मैं लगा नबी पाक दी अम्मी दा जिक्र करन ते जिन्हों अपनी मां दे अदब दा नहीं पता उन्हों मुहम्मद दी मां दे अदब दा की पता होवे पता चलिया नबी दी मां दा अदब ते इहतराम ओही करदा जिहड़ा अपनी दा भी करदा है आओ मैं उस मां दे बूहे ते लै चला अज लोग कहंदे नबी दे मापिया कलमा नहीं पढ़िया ओ माज़ अल्लाह मुशरिकीन सन ओ पुत्तां नूं सजदे करदे सन उंज कुरान उन्हां नूं साजदीन कहंदे ई मैं के जाके इंशाअल्लाह अर्ज करना याद रखियो जे कदे किसे नूं वेखो ना कोई नबी दी मां दा अदब नहीं पिया करदा ते समझ आया जे ये अपनी मां दा भी नहीं करदा।
नबी दी मां दा अदब ही करदा जड़ा अपनी मां दा करदा होवे। आइए मौसम मां दे वेड़े लै चला गिरामी कदर हजरत सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अनहा जवान होया बाद रिवायत दे मुताबिक आप चुके मदीने पैदा होया ते हजरत अब्दुल्लाह मक्के पैदा होके नबी पाक दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला फरमाते ने इकरार में काबे दा तवाफ की तवाफ काबा करके फरमाते ने महती में काबा च लेट गया ते मेरी आंख लग गई। एक बड़ा सोहना जिहा बाबा खाबे च आया आके कह लगा अब्दुल मुत्तलिब जब सुबह जाग जावे ते अपने पुत्र अब्दुल्ला नु नाल लेके ना ते मदीने आ जा उथे एक वहाब बिन अब्द मुनाफ दी बेटी है उहदा नाम आमिना है ते उहदे नाल अपने पुत्र दा रिश्ता कर लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सब उठे ते अपने पुत्र अब्दुल्ला नु नाल लिया मक्के दे उमरा नु असहाब कुरैश दे सरदार नाल ले ते आके मदीने मदीने आके पुछदे ने ए वहाब बिन अब्द मुनाफ कौन है। हुण याद रखियो कि मदीना हजूर दे दादा जी दा नानका सी। हिजरत तो बाद नबी पाक जेड़े बनू नजार मोहल्ले च आए ना ए नबी पाक दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा नानका मोहल्ला सी। आप बचपन च यतीम हो गए ते आप दी अम्मी हजरत सलमा आप नु लेके नानके आ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने नानके मदीने पले सन बचपन तो सारे मदीने वाले वाकिफ सन। पुछया ए वहाबी नबी दे मुनाफ कौन है लोग आख्या हजूर ए तुहाडे बचपन दे यार वहीब दा छोटा भाई है इहदा नाम वहाब। हजूर दे नाना जी दो भाई सन वहाब और वहीब ए वहाबी नबी दे मुनाफ कौन है वहीब का छोटा भाई जाके दरवाजा खड़काया हजूर दे नाना जी हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ बाहर आए ते वेखिया अरब दे सरदार आए काबे दे मतवली कुरैश दे सरदार आए ने मेरे घर। नौजवानों नबी करीम दे नाना जी ने बड़ी आओ पंगत की थी बड़ी खिदमत बाबा की थी अब्दुल्ला जवान है पूरे अरब के अंदर सोना नौजवान कोई नहीं सुने तेरी बेटी आमिना जवान है अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी का रिश्ता लेने आया। आप फरमा देने हजूर लजपाला आमिना आज भी तुहाडी है कल भी तुहाडी है। हजूर के दादा जी ने फरमा बेटिया के रिश्ते इंज नहीं करी दे लोग नौजवान का किरदार पुछते ने कारोबार पुछते ने बरादरी पुछते ने पुछिया भी कुछ ने रिश्ता भी पिया देना है। हजूर के नाना जी ने अर्ज की लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता देवा जेड़ा बाबा खां भी तुहानू मिलया है अठ दिहाड़े गुजरे मैनू ही मिलया। मैं पूछा जी तुसी कौन हो तो ना कैसी मस्जिद तो लंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह रसूल पर ताड़ा रोन वाले हो किसी दा रिश्ता पिंड दा कमी करावे ते किसी दा रिश्ता पिंड दा चौधरी करावे रिश्ता नबी दी अम्मी दा ते कराया उन्हें जिहड़ा 70,000 नबियां दा दादा लगदा जद्दो लंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम रिश्ता लेके आया वक्त दे रिवाज दे मुताबिक उसे महफिल ते मजलिस च बैठे निकाह पढ़ दिता जड़ी बारात दा दूल्हा अब्दुल्ला होवे ते दुल्हन आमिना होवे बराती ते फरिश्ते बन के आयो कायनात दी पाकीज़ा तरीन शादी। तीन दिन मक्की मदीने रहे तीन दिन दे बाद जदों बराती वापस टुरे ना मक्के वल सैयद आमिना दुल्हन बन के नाल आईयो फरमा दिया मम्मा की आई ते मैं नियाज करा कि जिस घर चो आई हूं वो भी सरदारा दा घर ते जिस घर विच आई हूं ओ ते कायनात दा इतना मुअज्ज़ज़ घराना है कि जिन्ना दी गली चलो गर्दन ते निगाहां झुका के गुजर क्योंकि कोई किसी दरबार का सजादा नशीन कोई किसी दरबार का सजादा नशीन कोई किसी दरबार का सजादा नशीन मेरे नबी दे दादा जान काबे दे सजादा नशीन काबे दे सजादा नशीन काबे दे अब्दुल्ला फरमा रहे जब मैं आमिना नु वेख्या ते मैं हैरान हो गया कायनात दी इफ्फत ते तहारत दी पाकीज़गी दी ताजदार आमिना अल्लाह मेरे हिस्से च रखी ते हजरत अब्दुल्ला फरमा रहे मैं आमिना नु वेख के हैरान हो गया कि आमिना मेरे हिस्से ते आमिना फरमा दी जब मैं अब्दुल्ला वेखे एडा सोहना नौजवान हजरत अब्दुल्ला फरमांदे हुंदे सन मैं उंज भी सोहना वां ते उंज भी सोहना वां पुछना जी उंज ते उंज किन्ने किवें सोहने फरमा एक ते हाशमिया उंज सोहना एक मुहम्मद दा नूर मथे च चमकदा है उंज सोहना मेरा दिल करदा मैं तुहानू इक चक्कर हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार दा लगवा लिया। चलो तुसी नहीं भोले फिर कदे सही सुभान अल्लाह
मैं रात हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जी दरबार शरीफ ते था अपने वालिद गिरामी दा उर्स मुबारक सी राती खड़ी शरीफ आजाद कश्मीर तो उठे मैं ओ चुके मियां साहब दा इलाका फिर उठे ते कलाम पढ़न दा दुत भी कोई हो रही हुंदा ना भाई ते ओ समझन वाले ते फिर प्यार करन वाले लोग ते तुसी सुनावा सुनावा उंज भी सोना ते उंज भी सोना उंज ते उंज किवे सोना सुनिए मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह किवे फरमांदे आरफे घड़ी रहमत लाला फरमा लेना सूरज वाग रानी मथा नजर ना कीती जावे जे पत्थर ते ते अखी पानिया ते पत्थर दिल पाला ते अखी अखी पानिया सूरज वांग नूरानी मथा शादी नो तीन महीने हजूर दे दादा जी एक दिन घर आए थे फरमाया अब्दुल्ला पुत्र तू हुन जवान भी है ते बेशक तू छोटा है मेरे दसा पुत्रा चो सोना भी सब तू लाडला भी सब तू पर पुत्र हुन शादी शुदा तू कारोबार ना करिए अर्ज की सारे तस्लीम खम जो मिजाज यार में है मेरे नबी ने जब देखा ना मेरे चाचे अबू तालिब की औलाद बड़ी है घर में मुआशी निजाम उतना मुस्तहकम नहीं ते डंगोरी पकड़ी ते बकरियां चारन मेरे नबी चाचे ते बोझ नहीं बने ते उम्मतियां नू दस्या कि तेरे अबू ते बोझ नहीं बनना अबू नू कमा के देना अबू दी कमाई नहीं सिर्फ खानी हजूर दी अबू जी अबू जी अबू जी अर्ज कीती हुजूर की बाबा जान मैं हाजिर हां नौजवान काफिला मक्के तो मत जब टुड़िया ना मुल्के शाम वाले ते रस्ते च मदीना ते जवाब च गुजर होया हजरत अब्दुल्ला का ख्याल आया कि मेरे नानके भी ने तो ससुराल भी ने तो थोड़े दिन रुक जाओ आप रुक गए रुक गए आज में साडे दौर च कोरोना दी वबा फैली या डेंगू बुखार दी वबा फैली अल्लाह महफूज रखे सारे उस दौर च मदीना ते जवाब ते उर्दे कुरब जवाब च बुखार दी वबा फैली हजरत अब्दुल्ला मदीने रुके थे आपने बुखार हो गया इस शिद्दत का बुखार के बुखार दी हालत में अंदर ही हजरत अब्दुल्ला मदीना तैयबा फौत हो गए 25 साल दी जवानी शादी में जितने महीने गुजर गए मदीने फौत हो नानक के ससुराल वाले मदीने कब्र बना के मक्के पैगाम भेज देते उधर से गदा में हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रहे पैगाम जब मक्के पहुंचा तो हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब रोंदे घर कोहराम मच गया पूरे मक्के दे क्योंकि एक यूसुफ है जड़ा मिस्र का यूसुफ है अब्दुल्ला ओ से जड़ा हिजाज मुकद्दस का यूसुफ है इतना हसी इतना हसी इतना हसी इतना हसी नौजवान हजूर दी हजूर दी हजूर दी अम्मी जान के कुल आके ना ते हजूर दे दादा जी सिर पे हाथ रख के फरमाया आमीना आमीना बेटी सबर करी सबर करी सबर करी सबर करी सबर करी कलेजा मुंह में आ रहे थे अर्ज कर दिया बाबा खादा सबर करो सबर करो सबर करो खादा सबर खादा सबर खादा सबर फरमाया बेटी आ बिना आज दी आंडी का करनियों ने आना कोई अब्दुल्ला साडा दुनिया तो टूट गया सैयदा या बिना कस खा के जमीन ते डग पई आओ नौजवान दिल दी दुनिया उजड़ गई तुर गए ने दिलदार दिला दे पतनों चुके सुहारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे गंद बीती यदि यारा सैयद रात भी रोदिया नहीं फरमा दिया अब्दुल्ला किधरों आया
रात भी रोंदियां दुनिया डाउटी डर दे उठ नहीं कर दे उड़ जावन महबूब जिना दे उन्ना जूते सबर कर जावा मीना जवान रोंदी वेखी नहीं जाती अर्द की काबे वाले आमीना ने एक पुत्र दे पुत्र देना जेड़ा दुआ जहाना का सुकून आवे सारे जहाना का सुकून बन गया नौजवानों रजब दे महीने दी जुमे दी रात सी सैयद आमिना फरमा दिया हजूर दे दादा जी उधर काबे च दुआ कर रहे थे मेरी रोंदिया रोंदी अख लग गई फरमा दिया कि बड़े उच्चे लंबे कद दा बड़ा हसीनो जमीन खूबसूरत बाबा मेरे खावे च आया बाबा आके कहन लगा बेटी आमिना रोया ना फरमा दिया बाबा मेरा अब्दुल्ला भी छड़ गया मेरा अब्दुल्ला भी छड़ गया बाबा कहन लगा बेटी रो ना मैं तेनु मुबारक देने आया फरमा दिया बाबा जिदा साईं टुर जाए उनु कौड़ियां मुबारक फरमाया बेटी मुबारक देना मोहम्मद दी मां बनन वाली फरमा दिया मैं दामन पकड़ के पूछनी आ बाबा जी तुसी कौन हो फरमाया बेटी पहचाने नहीं ते बाबा नहीं पहचाने फरमाया बेटी लोकी मैनू आदम आख दे फरमा दिया बाबा ते टुर गया मैं सवेरे उठनी आ जी बंदर पे वेखनी आ फरमा दिया मैं बेड़े च फिरनी जेड़ा पत्थर मेरे कदमों दे थले आंदा है वो मैनू चुभदा ही नहीं ना कदम रखनी आ पत्थर पिघल के मोम बन जाता है फरमा दिया खबर आज पत्थरों नू की आ गया एक निका जा पत्थर बोल के कहन लगा आमीना हैरान ना हो अजे ते असी पे पिघलने आ मोहम्मद आ लैन दे पढ़िया पढ़िया पिघल जा